कंस्ट्रक्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। बुलेट ट्रेन का वर्क अपडेट, कितना काम हुआ है। आगे बढ़ने से पहले नया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट अपडेट पाने। 508 किलोमीटर लंबा मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहे बुलेट ट्रेन जो कि 12 स्टेशनों के साथ होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में तेजी आ चुकी है और गुजरात में 98% लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो चुका है। काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। साथ ही दादरानगर हवेली में 100% लैंड एक्विजिशन हो चुका है और सरकार बदलने के बाद महाराष्ट्र में भी 75% लैंड एक्विजिशन कर लिया गया है। साथ ही में जो सारे इन्वायरमेंट और ज़रूरी क्लियरेंस थे वो कर लिया गया है और वहाँ भी अब काम अब तेज़ी से चलना चालू हो चुका है। और साथ ही गुजरात में 162 किलोमीटर का पाइलिंग वर्क हो कंप्लीट हो चुका है और पिलरिंग वर्क 79 किलोमीटर का कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और साबरमती का जो हब है वो भी लगभग कंप्लीट होने वाला है, जो आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये साबरमती का पैसेंजर हब है जो अब लगभग कम्प्लीट हो चुका है और इसका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही शेयर कर दें इस वीडियो को अपने ग्रुप में। इस सारे प्रोजेक्ट का इनिशियल कॉस्ट बढ़ चुका है क्योंकि यह 2023 तक कंप्लीट होना था, पर लैंड एक्विजिशन की वजह से इसमें काफ़ी डिले हुआ है और यह सारा काम अब 2026 तक पहला बुलेट ट्रेन सूरत और बिलूमुरा के बीच में चलाई जाएगी। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं, यह सूरत में गर्डर लॉन्चिंग मशीन काफ़ी तेज़ी से गर्डर को लॉन्च कर रहा है और काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और यह देख सकते हैं, यह सूरत में 1 किलोमीटर का पैच अब लगभग कंप्लीट हो चुका है, गर्डर लॉन्च कर लिया गया है और काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। साथ ही में गुजरात में सूरत, बिलीमोरा, आनंद, ये सारे स्टेशन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। साथ ही में जो रिवर्स पर जो ब्रिज बनाना है उसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जो कि तापी, दमनगंगा रिवर, साबरमती रिवर, ये सारे पर काम काफ़ी तेज़ी से अब चल रहा है। महाराष्ट्र में जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन स्टेशन बनना है उसके लिए टेंडर फाइनल हो चुका है और साथ ही में 21 किलोमीटर का जो टनल बनाया जाएगा उसका भी अब लगभग काम तेज़ी से चल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से उसका स्टेशन बनाया जाएगा BKC में और बाहर निकलने के लिए कुछ इस तरह से गेट बनाए जाएंगे और एंट्री और एग्जिट अलग अलग होंगे। कुछ इस तरह से बुलेट ट्रेन BKC में एंटर करेगी, अब लोग यहाँ पर चढ़ पाएंगे। बाकी सारे बुलेट ट्रेन के स्टेशन एलिवेटेड होंगे। तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद।